हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 26th of November 2020। तो 26 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूं कि सी सैट कोर्स को ज्वाइन करने की लिंक दी हुई है। अगर आपको लगता है कि आप सी सैट वाले पोर्शन में स्ट्रांग इतना नहीं है या मैथमेटिकल पोर्शन में इतने स्ट्रांग नहीं है तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, एंड नीचे लिंक दी है तो आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। tempsis.com वेबसाइट है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको सी सेट कोर्स लेक्चर्स के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें सारे लेक्चर्स अपलोडेड रहेंगे। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी नीचे है, तो आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और उसको शेयर किया करिए। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस जो मैं पूछता हूँ रेगुलरली आपसे, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनके आंसर्स आप करेंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 4 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ओनली लोकसभा विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी व्हाट डू वी कॉल अ रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अंडर विच अ फर्दर डिबेट ऑन अ मोशन कैन बी स्टॉप्ड। ऑप्शन आर क्लोजर, जिलोटीन, एक्सपंक्शन या रिसेस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम गैप और इंटरवल बिटवीन द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। दो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है? ऑप्शन आर 30 डेज, 50 डेज, 6 मंथ या 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अ लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू whom among the following। किसको अपना रेजिग्नेशन देता है लोकसभा स्पीकर? ऑप्शन आर डेप्टी स्पीकर, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर या डी लॉ मिनिस्ट्री। सो दीज आर द 5 क्वेश्चन फॉर यू, बट बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं पॉलिटी के। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इनके आंसर आप जरूर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। Now let's see the quote of the day। आज का जो quote मैंने लिया है that is taken again from Nelson Mandela। Nelson Mandela का quote है, very good quote, the greatest glory in living lies not in never falling but in rising after every time we fall। तो ऐसा बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि जो ग्लोरी है लाइफ की ना, वो इस चीज में नहीं कि आपको कहीं फेलियर नहीं मिली। फॉलिंग का मतलब यहाँ फेलियर से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ग्लोरी ये नहीं रहेगी कि आप कभी फेल ही नहीं हुए। आपके लाइफ की सबसे बड़ी ग्लोरी ये हुई कि आप जितनी बार फेल हुए या जितनी बार आप फॉल किए या गिरे, उसके बाद आप उठे जरूर। वही बोला था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितनी बार गिरे, इंपॉर्टेंट ये कि आप कितनी बार गिर के उठे। सो दैट इज द थिंग। एंड यही चीज आपको अगर यूपीएससी से जोड़नी हो तो आप हो सकता है 3 बार प्रीलिम्स ना निकाले हो या 4 बार प्रीलिम्स ना निकाले हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि 5वीं बार भी आप नहीं निकालेंगे। यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन टिल द टाइम यू हैव द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, टिल द टाइम यू हैव द एज फैक्टर विद यू। वंस यू हैव डिसाइडेड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, यू शुड गिव योर हार्ट एंड सोल, यू शुड गिव योर एवरीथिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको मेहनत करनी है उस चीज के लिए, ठीक है ना। मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जो यूपीएससी निकालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं निकालना चाहते तो बिल्कुल वेल एंड गुड, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को यूपीएससी ही निकालना चाहिए। बट इफ यू हैव वर्कड सो हार्ड फॉर 1 or 2 ईयर और 3 ईयर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये एग्जाम निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। भटकते ही सही, भटके वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो वही वाली बात है कि आपको मंजिल मिल जाएगी, थोड़ा बहुत भटकना जरूर पड़ता है। किसी भी छोटी जगह जाते हैं वहां भी भटकना पड़ता है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है लाइफ के अचीव करने वाली, ठीक है ना। So the greatest glory in living lies not in never falling but in rising every time we fall। Nelson Mandela का quote है, very good said and very well said, है ना, याद रखिएगा इसको। आगे मूव करते हैं एंड मैप ऑफ द डे देखते हैं। मैप ऑफ द डे मैंने कल आपको कहा था अफगानिस्तान का पॉलिटिकल मैप दिखाऊंगा। बेसिकली मेरा एम ये है कि अफगानिस्तान की सिटीज से आपको 1-to-1 करा दूं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, प्लस बॉर्डरिंग कंट्रीज जैसे कि आप को जानना ही चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसमें हरा भरा आपको दिख रहा है, ये है अफगानिस्तान। अब ये बॉर्डर टच करता है दिस कंट्री इज ईरान, जो ये पीछे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ना, ये कंट्री जो है ये ईरान कंट्री है। तो पहले तो याद रखिएगा ये ईरान है, है ना। इसके बाद जो दूसरी कंट्री जिसको टच करता है वो है ये, देखो तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, तुर्कमेनिस्तान वाला पार्ट है यहाँ पे।
फिर ये उज्बेकिस्तान वाला पार्ट है, उज्बेकिस्तान तीसरी कंट्री होगी जिसको टच करते हो। तो ईरान देखा, तुर्कमेनिस्तान देखा, उज्बेकिस्तान देखा। ऊपर आपको ये भी देखते रहना कि ईरान के बगल में इधर तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के इधर बगल में उज्बेकिस्तान है, फिर इधर ताजिकिस्तान है ना। तो ये आपको दो तीन चीजें रहती हैं जो मैप से आपको निकालनी चाहिए। तो नीचे ईरान देख लिया, फिर ऊपर हमने देखा अफगानिस्तान के इधर ऊपर तीन कंट्री है, TUT है ना, TUT तीन कंट्रीज आपको दिख रही है, TUT। तो TU से तुर्कमेनिस्तान भी याद रखिएगा और यू से उज्बेकिस्तान भी याद रखिएगा, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये टी तजाकिस्तान का है कि तुर्कमेनिस्तान का है। ये कंफ्यूजन आप हटा सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर है TUT, यानी कि तुर्कमेनिस्तान क्योंकि TU है, फिर उज्बेकिस्तान, फिर तजाकिस्तान, तो ये तीन कंट्री हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे अफगानिस्तान थोड़ा सा टच करता है चाइना को और थोड़ा सा टच करता है इंडिया को, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है ना, वहां से इंडिया को भी टच करता है। तो अपन तो यही बोलेंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में ये इंडिया को टच करता है, ठीक है ना। अब देखो कौन सा रीजन है जो अफगानिस्तान का टच करता है, ये है देखो बदख्शान, बदख्शान वाला रीजन है। देखो बदख्शान वाला जो रीजन है अफगानिस्तान का, बदख्शान का जो रीजन है वो टच करता है आपका ये चाइना और इंडिया वाले पोर्शन को, ठीक है ना। फिर यहाँ पाकिस्तान के साथ तो पूरा नीचे बॉर्डर ही पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान को टच करता है। तो यह आपको मैंने बता दिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना, इंडिया, और चाइना इंडिया के साथ कौन सा पोर्शन अफगानिस्तान का टच कर रहा है, तो बदख्शान वाला रीजन टच कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हेरात, हेरात एक इंपॉर्टेंट प्लेस अफगानिस्तान के अंदर, हेरात है ना। फिर आपको ये फरा दिख रहा है, निर्मूज दिख रहा है ना, कंधार, कंधार वाला रीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंधार वाला रीजन देखो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देन यहाँ पे बामियान, बामियान बुद्धा आपने सुना होगा, बामियान बुद्धा की स्टोरी क्या है, किसी को पता है क्या, आप में से किसी को अगर बामियान बुद्धा की स्टोरी पता है तो प्लीज डू टेल मी दैट। था रिसेंटली क्या क्या था, बामियान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है बामियान, है ना, बीच में है एकदम, याद रखिए। फिर गजनी आपको दिख रहा होगा, है ना, गजनी वाला इस रीजन दिख रहा होगा। एंड फिर तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है यहाँ पे, कुंदूज जरूर है, कुंदूज एक रीजन है, कुंदूज भी अफगानिस्तान में आता है। बदख्शान तो बता ही दिया मैंने आपको, हेरात बता दिया, फरा बता दिया, निर्मूज बताया, कंदहार बताया, है ना, और जो जानने वाले हैं वो यही वाले हैं, है ना। बामियान जरूर आपको बता दिया ने, बामियान याद रखेगा, और बामियान की कहानी अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। ये काबुल, इसकी कैपिटल जो है वो काबुल यहाँ पे है, देखो। तो ये आपको मैप मैंने दिखाया, किसका, अफगानिस्तान का मैप दिखाया, बॉर्डरिंग कंट्रीज दिखाई, अभी तो इतना ही काफी था। TUT जरूर याद रखना, ऊपर का कंट्रीज जो है TUT, और बदख्शान वाला जो रीजन है वो टच करता है इंडिया को और चाइना को, तो ये भी मैंने आपको बताया। तो दिस वॉज द मैप ऑफ अफगानिस्तान, आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर द प्लेसेज। यहाँ पे हेलमंड याद रखना, हेलमंड भी याद रखना, हेलमंड बोलते हैं इसको, और यहाँ पे कुंदूज जो मैंने बताया, कुंदूज यहाँ पे जो बताया, वो दोनों याद रखना, है ना। तो दिस वॉज द मैप ऑफ अफगानिस्तान, आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर द मैप, है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो है डियागो मैराडोना पासेस अवे। तो यस, आपको पता होगा कि डियागो मैराडोना वॉज अ फुटबॉल जायंट एंड बहुत बड़ा नाम थे फुटबॉल के, डियागो आर्मांडो मैराडोना। और आपको थोड़ा सा बस चीज़ें याद रखनी, जैसे कि ही पास्ड अवे जस्ट आफ्टर हिज 60th बर्थडे। एंड इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री के साथ ही खेलते, कौन सी कंट्री के थे, तो अर्जेंटीना, याद है कि जहाँ से लियोनेल मेसी है ना, अर्जेंटीना के ही थे ये, है ना। तो अर्जेंटीना के सेंटर फॉरवर्ड थे डियागो मैराडोना, यू शुड रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो, है ना। तो डियागो मैराडोना ही वॉज प्लेइंग फ्रॉम द अर्जेंटीनियन साइड, है ना, अर्जेंटीना से थे, ये इंपॉर्टेंट है। हैवी रेन एज साइक्लोन निवार अप्रोचेज। अब साइक्लोन निवार जो है वो अप्रोच कर रहा है कोस्ट की तरफ, क्यों अप्रोच कर रहा है, क्योंकि लैंडफॉल होने वाला है। अब लैंडफॉल क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंडफॉल इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉर्म मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड। जब स्टॉर्म सी से लैंड की तरफ मूव करता है और फाइनली लैंड में आता है, जब उसकी स्पीड घटने लगती है धीरे धीरे और खत्म होता है फिर वो, तो उसको लैंडफॉल बोलते हैं, ठीक है ना। द एक्चुअल प्रोसेस में टेक 3 to 4 hours, जो ये आवर्स की जो लैंडफॉल की प्रोसेस है टोटल, वो 3 to 4 hours ले लेती है। लैंडफॉल इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉर्म मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड, याद रखिएगा सी टू लैंड में मूव करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉल बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक इसमें टर्म और गेल विंड का है। गेल क्या होती है, गेल एक स्ट्रांग विंड होती है जो कि नॉटिकल माइल्स यानी कि अपनी स्पीड्स के थ्रू जानी जाती है। तो जो US का नेशनल वेदर सर्विस सेंटर है वो डिफाइन करता है गेल को एज 247 knots की जब स्पीड होती है।
34 टू 47 नॉट्स की सस्टेन्ड सरफेस विंड जब होती है तो उनको हम गेल विंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इस साइक्लोन निवार में जो गेल विंड्स, ये देखो लिखा हुआ है गेल विंड्स एंड इंसेसेंट हैवी रेनफॉल। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, इस साइक्लोन के गेल विंड्स और इंसेसेंट रेनफॉल, दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। चेन्नई वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। तो ये कल मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, तब आप आज रिवाइज करेंगे मेरे साथ, मुझे बताएंगे कि विच आर द कंडीशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद आते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि लार्ज सी सरफेस चाहिए विद टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक मैंने याद दिला दिया। अब बाकी की आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कल ही मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कौन कौन सी कंडीशंस है, ठीक है ना, आप बताइएगा। दूसरा जो यहाँ पे न्यूज है, काम विंड्स पुशेस दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स टू सीवियर कैटेगरी। ठंड में क्या होता है, जो विंड्स होते हैं बहुत काम हो जाते हैं, इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा खराब होता है। तो याद रखिएगा, विंडर में हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा खराब होगा। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो सीवियर कैटेगरी में चला गया है। मैंने पहले बताया था कि इसमें 6 कैटेगरीज होती हैं एयर क्वालिटी में, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, 6 कैटेगरीज है, ठीक है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 पॉल्यूटेंट्स आर देयर, PM 2.5, PM 10, PM NO2, SO2, CO, O3, NH3, PB। PB यानी लेड, NH3 यानी अमोनिया, O3 यानी ओजोन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, PM 2.5 एंड PM 10। तो ये 8 हो गए एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। अब एक होता है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम की भी एक चीज़ होती है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम की भी चीज़ होती है। तो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, मैं भी वो आपको बता देता हूँ। वो होते हैं, जैसे याद रखिएगा, बेंजीन। वो बाकी के 4 पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में, 8 तो वही वाले हैं जो मैंने बताया। फिर बेंजीन हो गया, इस बार बेंजीन पोल्यूशन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार के प्रीलिम्स में बेंजीन पोल्यूशन पूछा था, तो वो यहीं से पूछा था। हो सकता है अगली बार बेंजोपायरीन पूछ ले, तो अगर आप अगर चाहें तो मुझे इन चारों के बारे में लिख के बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बेंजीन हो गया, बेंजोपायरीन हो गया, आर्सेनिक हो गया और निकल हो गया। बेंजीन, बेंजोपायरीन, बेंजोपायरीन केवल पर्टिकुलेट फेज में होता है जो पॉल्यूटिंग होता है, बेंजोपायरीन, देन आर्सेनिक एंड निकल। तो याद रखिएगा, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल, ये 8 प्लस ये 4 मिल जाएंगे तो आपका नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा, जिसमें 12 पॉल्यूटेंट्स हैं। याद रखिएगा, उसमें 12 पॉल्यूटेंट्स हैं। बाकी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसको मेजर करने का काम कौन करता है। इसको मेजर करने का काम करता है CPCB, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि 1974 के वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट से आया था, और 1981 में एयर प्रिवेंशन पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आ गया, उसके अंतर्गत इसको उसके अंतर्गत भी रखा गया है। दूसरा जो सिस्टम यूज होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, होता है सफर सिस्टम, है ना, स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया। ये बना है IITM पुणे, IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, पुणे का इंस्टीट्यूट है, वो इसको करता है। सफर सिस्टम जो है 24/7 एयर क्वालिटी चेक करता है, प्लस आपका एक और चीज़ चेक करता है, वेदर फोरकास्टिंग फॉर 72 आवर्स इन एडवांस। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स इन द फॉर द नियर फ्यूचर, ताकि आपको अगर कभी भी क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड तो आप उसके आंसर को कर सकें। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक न्यूज थी फार्मर्स की, प्रोटेस्ट की, फार्मर्स प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी न्यूज है, मैं आपको बता देता हूँ। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, दिल्ली चलो का नारा भी उन्होंने दिया है, दिल्ली में चले गए हैं और DMRC का काम भी ठप है। मैं कुछ आपको फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो फार्मर पीजेंट मूवमेंट्स, एक तरीके से कहना चाहिए पीजेंट मूवमेंट्स जो हुए थे, उनके बारे में थोड़ा सा लोकेशन और वो प्लेस। तो इंडिगो मूवमेंट जो होता हुआ था 1859-1860 में बंगाल वाले रीजन में हुआ था, विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये विश्वास ब्रदर थे, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, इंडिगो मूवमेंट 1859-1860 बंगाल वाले रीजन में। देन पावना मूवमेंट हुआ था ईस्टर्न बंगाल में, पावना मूवमेंट हुआ था ईस्टर्न बंगाल में, केशव चंद्र रॉय और शंभुनाथ पाल, केशव चंद्र रॉय और शंभुनाथ पाल, पावना मूवमेंट 1872-1885। फिर डेकन राइट्स इंपॉर्टेंट है 1875 महाराष्ट्र के नाम से, याद रखिएगा डेकन राइट्स हुए थे जिसमें पेपर और जमीन के पेपर और ये सब जला दिए गए थे। 1879 महाराष्ट्र,
1875 महाराष्ट्र डेकन रॉयट्स। देन पंजाब पीजेंट मूवमेंट हुआ था पंजाब में 1890 से 1900 के बीच में चला था ये। फिर चंपारण मूवमेंट तो आप सबको पता है 1917 बिहार में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई और एएन सिन्हा, ये सब फेमस लोग थे जो कि चंपारण मूवमेंट से जुड़े थे। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में गोविंद वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े थे। वल्लभ भाई पटेल का नाम भी बहुत आता है इसमें। मोपला रेबेलियन को आपसे पूछे तो याद रखेगा केरला, मोपला रेबेलियन केरला 1836 से 1921 तक चला। इसके अलग अलग फेजेस में चला था मोपला, तो याद रखेगा 1836 से 1921 तक मोपला रेबेलियन, लेकिन केरला का जगह याद रखिएगा। एंड कुन मोहम्मद, फिर इसके अलावा हाजी अली मुसलियार, सीथी कोया थंगल, ये सब इसमें जुड़े हुए थे। देन बारडोली सत्याग्रह 1928 गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड एका मूवमेंट 1921 से 1922 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मदारी पासी इसमें रिलेटेड थे। मदारी पासी, एका मूवमेंट, मदारी पासी, ये नाम याद रखिएगा एका मूवमेंट के, यूपीएससी ने पूछा हुआ है ये एका मूवमेंट मदारी पासी, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, इसको दोबारा सुन लेना। पीजेंट मूवमेंट्स के जो इंपॉर्टेंट कुछ मतलब स्तंभ है कहना चाहिए उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, जीन पाथ डायग्नोस्टिक्स विन 2.5 करोड़ ग्रांट। तो पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं जीन पाथ डायग्नोस्टिक्स। अब ये इसको एक नेक्स्ट जनरेशन डायग्नोस्टिक्स कंपनी है, इसको एक प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला जिसको हम बोलते हैं USISTEF, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड अवार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड। इसमें 2.5 करोड़ की ग्रांट दी गई है ना। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली सेंसिटिव एक HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किट बनाएंगे ये, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? डेवलप करेंगे एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली सेंसिटिव मास स्केल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म फॉर द डिटेक्शन ऑफ HPV। तो ये याद रखिएगा, एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली सेंसिटिव मास स्केल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे HPV को डिटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। याद रखिएगा बेसिकली ये डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर को पता करने के लिए। तो सर्वाइकल कैंसर जो, इट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर अमंग इंडियन वुमेन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ इन डेवलपिंग कंट्रीज। द डिटेक्शन ऑफ HPV इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टूल। तो अगर आप HPV को डिटेक्ट कर लेते हो तो आप सर्वाइकल कैंसर की उसकी जड़ तक जा सकते हो। दैट इज द रीजन वाई HPV डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसी के लिए जीन पाथ डायग्नोस्टिक्स को दिया जा रहा है 2.5 करोड़ का ग्रांट, और अब वो डेवलप करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव इसको, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे। पहला एडिटोरियल है जॉब्स एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड पैक्ट लिंक्स। अब यहाँ पे बेसिकली जॉब के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में एंड ट्रेड पैक्ट के बारे में ही लिखा गया है, रिटन बाय पी चिदंबरम एंड प्रवीण चक्रवर्ती। सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि इंडिया इज अंडर इकोनॉमिक रिसेशन। ये आप सबको पता नहीं कि रिसेशन जो होता है जब आप दो लगातार क्वार्टर में डिक्रीज में जाते हो। तो पहले क्वार्टर में 23% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, फिर हमने देखा कि अब 10% का कॉन्ट्रैक्शन होगा जुलाई टू सेप्टेम्बर क्वार्टर में। तो जब दो लगातार क्वार्टर इस तरीके के होते हैं तो उसको हम रिसेशन बोलते हैं, टेक्निकली वो रिसेशन कहलाता है। तो ये आज़ादी के बाद याद रखिएगा, इंडिया इज इन फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेशन, इस तरीके का टेक्निकल रिसेशन में गया है इन द इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में इस तरीके से रिसेशन में गया। इसके अलावा ऑथर ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बताया है। देखो, पहले तो हर चीज को हम या तो कोविड में डाल दें, लेकिन हर चीज कोविड में डालने लायक नहीं है, क्योंकि जो हमने देखा था इकोनॉमी का स्लोडाउन पहले से चल रहा था। दूसरी चीज, यहाँ पे ऑथर ने जॉब्स के बारे में बोला कि जॉब जो है वो 45 इयर्स हाई पे, पहले अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 45 इयर्स हाई पे चल रहा था। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 45 सालों में सबसे ज्यादा आया था इस बार, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहले भी हमने बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये डेटा आप रिलीज मत करो, ये डेटा सही नहीं, गवर्नमेंट ने डेटा को रोकने की भी कोशिश की थी, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा कि जब कोविड-19 आया तो 2 करोड़ जॉब्स और ज्यादा लॉस हुई, 2 करोड़ जो थे जॉब्स और गई, जैसे इसमें रेगुलर सैलरीड भी थे, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी थे, कैजुअल भी थे, डेली वेज वाले भी थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले भी थे, तो ये जॉब्स भी गई, है ना। तो 2 करोड़ के लगभग जॉब्स भी गई। इसके अलावा, इन एनी कंट्री द अल्टीमेट इकोनॉमिक टेस्ट इज आर देयर सफिशियंट जॉब्स इनकम एंड लाइवलीहुड। तो किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो ये होता है कि क्या वहाँ पे प्रॉपर जॉब्स हैं, या लोगों के पास लाइवलीहुड है, या खाने के लिए खाना है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखी गई।
ऑथर ने कहा इस पीरियड में जो सबसे बड़ा एक कहना चाहिए कि ये सोल्यूशन की तरह दिखा वो था मनरेगा, जिसमें 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया मनरेगा में, जो कि लगभग 20 गुना ज़्यादा था नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से, 20 गुना ज़्यादा। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट दैट केम एज अ रिस्पाइट फॉर दिस। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जैसे जॉब्स है कि नहीं है, इसके बारे में ऑथर ने बोला था, लार्ज नंबर ऑफ गुड क्वालिटी जॉब्स कैन बी क्रिएटेड ओनली इन सेक्टर्स दैट आर लेबर इंटेंसिव। ऑथर ने कहा है कि जो लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स हैं अगर आप चाहें तो वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि अपैरल हो गया, लेदर हो गया, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर हो गया। ऑथर ने ये कहा है। लेकिन ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर आप लेदर एंड अपैरल सेक्टर में जॉब क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें जॉब केवल सेक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, उसमें जॉब इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इसको उन्होंने एक्सपोर्ट से जोड़ा है, कैसे जोड़ा है बताता हूँ, क्योंकि इंडिया में जो अपैरल और लेदर का वर्क होता है उसका 1/3 से ज़्यादा जो है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसका हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के कारण भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ऑथर ने कहा एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक्सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केवल और केवल जॉब्स इससे नहीं क्रिएट होंगे कि आप कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, अगर उसका एक्सपोर्ट मार्केट रहेगा तभी वो जॉब ग्रो करेगी, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आल्सो क्रिएट सपोर्टिंग जॉब्स इन वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टीव डोरिंग, कंटेनर शिप ऑन ऑल। तो अगर आप देखें तो अगर अपन एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो उसमें भी वेयर हाउसिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, देन हमने देखा स्पीड स्टीव डोरिंग होती है, देन आपका कंटेनर स्टेशन, शिपिंग, शिप हैंडलिंग, पोर्ट्स, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, इन सब में जॉब्स क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर हम प्रेजेंट कंडीशन देखें तो 2003 से 2012 का जो पीरियड था वो बूम ईयर था एक्सपोर्ट का, इंडिया का बूम ईयर जो है। ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय अ कांग्रेस मेंबर एंड ऑल, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये ट्रूथ सेंस में है, ये फैक्चुअल सेंस में है, यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं ना। तो अगर आप देखें बूम ईयर जो थे इंडिया के वो 2003 से 2012 के बीच के बूम ईयर थे। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि जो 2014 की बात की अप्रोच है दैट हैज चेंज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ऑब्वियसली बात है हमने नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ला ली है 2015 से, है ना, 2015 से 2020 के लिए। तो ऑथर ने कहा कि जो सबसे अधिक ग्रोथ हुई थी वो 1991-92 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से हुई थी, जो कि 2014 तक ही चली है। 2014 के बाद एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है जिसके बाद एक्सपोर्ट घटना शुरू हो गई, ये फैक्चुअल चीज है, है ना। 2003 से 2012 तक सबसे ज्यादा ग्रोथ ईयर्स थे, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद इररिफ्यूटेबल ये भी है कि 1991-92 की जो ट्रेड पॉलिसी थी वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ डेवलप करने वाली पॉलिसी थी, और 2014 के बाद एक नई ट्रेड पॉलिसी आ गई है जिसको हम 2015 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। तो वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हुए, इतने ज्यादा बढ़े नहीं है, जॉब क्रिएशन में इतना ज्यादा नहीं हुआ है। अब ऑथर ने यह भी कहा कि एक्सपोर्ट और एग्रीमेंट दोनों को अब कैसे जोड़ा है। ऑथर ने कहा एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो घटे हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे एक फैक्ट ऑथर ने दिया है कि मर्चेंडाइज गुड्स का जो एक्सपोर्ट था वो 314 बिलियन डॉलर पे था 2013-14 में, और इतने सारे एग्रीमेंट सब करने के बाद 6 से 7 साल के बाद आज वो 313 बिलियन डॉलर पे है 2018-19 में। तो ऑथर ने कहा कि ये क्या चीज हुई कि भैया आपका एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा ही नहीं, जबकि आपने मीस नाम की एक स्कीम भी की थी अगर आपको याद हो, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम भी की गई थी इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015, तो भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पहले से कम लेवल पर है, ज्यादा लेवल पर नहीं है, कम लेवल पर है ना। तो ऑथर ने इसका रीजन ऑथर ने बोला कि जो बीच में डीमोनेटाइजेशन हुआ और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लाया गया, इस कारण से जो नुकसान हुआ दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि बहुत सारे एग्रीमेंट है जो कि हिट हुए, जैसे कि आसियान हो गया, नाफ्ता हो गया, मरकोसर हो गया, ये हिट एग्रीमेंट्स थे। एक फेल्ड एग्रीमेंट भी है साफ्ता, जिसको बोलते हैं हेजिटेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, कि अगर आप हेजिटेंट रहोगे किसी एग्रीमेंट में तो वो सफल नहीं रहेगा। लेकिन ऑथर ने ये चीज जरूर कही है कि अगर आपको कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी प्रोटेक्शनिज्म से नहीं मिलेगी, मतलब अगर आप अपनी इकोनॉमी को क्लोज करने में लगे रहोगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपको ग्रोथ मिलेगी जब आप कंट्रीज के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करोगे, तब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तब आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो RCEP को देख करके हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो डर है वो बहुत ज्यादा है फॉरेन एग्रीमेंट्स को लेकर के, इसीलिए हम प्रोटेक्शनिज्म और आत्मनिर्भर और ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ऑथर ने यहां पे देखो लिखा है टू रिवाइव द एक्सपोर्ट
इंडिया नीड्स ग्रेटर एंड फ्रिक्शनलेस एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। हमको ग्लोबल मार्केट्स की एक्सेस चाहिए, और एक्सेस कब मिलेगी? प्रोटेक्शनिज्म से मिलेगी क्या? नहीं, प्रोटेक्शनिज्म से, ऑटार्की से नहीं मिलेगी, हमको मिलेगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और ज्यादा से ज्यादा बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, तब हमको इस तरीके की एक्सेस मिलेगी मार्केट की, और वही हमको करने की जरूरत है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है रिफाइनिंग द ट्रेड यूनियन स्ट्रेटजीज टू स्ट्राइक अकॉर्ड। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि जो ट्रेड यूनियंस है वो अपना वर्चस्व खोते जा रहे हैं, ना कि वर्चस्व खोते जा रहे हैं बल्कि अपने जो बात रखने की पावर है वो भी खोते जा रहे हैं, जो फ्रीडम था उनका वो भी खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नए रिफॉर्म्स के अंतर्गत लेबर कोड में चेंजेस किया गया है। ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात की कि लेबर कोड में चेंजेस किए गए तो लेबर यूनियन उससे परेशान है। कोई भी चेंज इस तरीके से नहीं किया गया जो कि उनको मिनिमम राइट्स प्रोवाइड करें। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोड आपने इस तरह से चेंज किया कि देखो यहाँ पे लिखा यूनिवर्सल मिनिमम वेज क्यों नहीं प्रोवाइड किया आपने? लेबर कोड में अगर आप चेंज करना है तो क्या आप सिर्फ कॉरपोरेट्स की तरफ से सोचेंगे? क्योंकि जो मेन लेबर लॉस को चेंज करने का रीज़न था वो ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पा रही है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको करना है तो आपने लेबर कोड में चेंज कर दिया, उनको रिमूव करने का, रिट्रेंचमेंट के लॉस को ईजी कर दिया, जैसे पहले है ना, वही वाली बात है कि पहले 100 लोगों में लग जाता था वो 300 लोगों में लागू होगा। मतलब कि अब 100 से पहले 100 लोगों तक के बाद अगर किसी कंपनी को रिट्रेंचमेंट करना है, हटाना है लेबर्स को, तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब किसी कंपनी में अगर 300 कर्मचारी भी हैं तो वो बड़े इजिली उसको रिमूव कर सकती है, रिट्रेंचमेंट कर सकती है। तो ऑथर ने वही कहा कि आपने मिनिमम इनको वेजेस तो नहीं प्रोवाइड कर दिए, या फिर ट्रेड यूनियन का स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन तो नहीं किया, या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मलाइजेशन नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मलाइज नहीं किया, और सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की। लेकिन आपने क्या किया? आपने किया क्या? उनको, उनके ट्रेड यूनियंस की जो फ्रीडम थी उसको कम कर दिया, उनके बातचीत को कम कर दिया है ना, उनको अनरजिस्टर करने की चीज़ें आपने बढ़ा दी कि हाँ किन किन चीज़ों से ट्रेड यूनियंस अनरजिस्टर हो सकते हैं। तो बेसिकली ऑथर ने वही कहा है कि ये जो कोड है, बेसिकली रिफॉर्म जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिफॉर्म है, ना कि लेबर रिफॉर्म्स है। इनको लेबर रिफॉर्म्स नहीं करना कहना चाहिए, इनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स कहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि 6 अलग अलग मेथडोलॉजी होते हैं जिसके कारण ट्रेड यूनियन बात कर सकता है। कैसे? एक तो सोशल डायलॉग के थ्रू, दूसरा पॉलिटिकल लॉबिंग के थ्रू, देन पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के थ्रू, देन लीगल एक्शन के थ्रू, देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या फिर लास्ट जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल डायरेक्ट एक्शन के थ्रू। तो 6 मेथड्स हैं जिनके कारण, जिनके थ्रू लेबर्स अपनी बात रख सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, 6 कौन कौन से तरीके बताए गए हैं: सोशल डायलॉग, पॉलिटिकल लॉबिंग, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन थ्रू ऑपोजिशन पार्टीज, लीगल एक्शन बाय अप्रोचिंग जुडिशरी, सीकिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प, एंड देन लास्ट है डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन। अब ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट जो है ट्रेड यूनियंस को बेसिकली सोशल डायलॉग तो कंडक्ट करती नहीं, सोशल डायलॉग में उतारती नहीं है, प्लस सोशल डायलॉग किया भी नहीं गया। लेबर कोड में अगर आपको पूछना था तो आपको उनके साथ सोशल डायलॉग करना चाहिए था। दूसरा, अपोजिशन पार्टीज के थ्रू किया जाता है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं क्योंकि अपोजिशन पावर में है नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा जुडिशरी का रिकोर्स जरूर उनके पास लेना चाहिए था, जुडिशरी का रिकोर्स लिया भी है, जैसे गुजरात के केस में लिया था, फैक्ट्रीज एक्ट में चेंज किया गया तो उन्होंने जुडिशरी का रिकोर्स लिया और उसके थ्रू मदद मिली। आईएलओ में वो नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि कंट्री की इज्जत का सवाल है, आईएलओ में नहीं जाते, लेकिन एक बार गए पर उससे कोई खास सोल्यूशन नहीं मिला। इसलिए अब लेबर्स भी आज स्ट्राइक कर रहे हैं, आज 26 तारीख है, आज लेबर्स स्ट्राइक कर रहे हैं कंट्री में। ये होता है डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन इसी को कहते हैं। इसीलिए आज की जो स्ट्राइक है उसको जस्टिफाई किया है ऑथर ने कि 6 तरीके हैं, 6 में 5 काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लास्ट तरीका इंडस्ट्रियल एक्शन डायरेक्ट वो कर रहे हैं। अब ऑथर ने वही बोला कि यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, जो उनकी डिमांड्स है, जैसे डिमांड्स क्या क्या है: डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करो 7500 रुपये पर मंथ का फॉर ऑल द नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिलीज, 10 kg फ्री राशन पर पर्सन पर मंथ टू ऑल द नीडी, एक्सपेंशन ऑफ मनरेगा टू प्रोवाइड 200 days ऑफ वर्क इन अ ईयर, देन इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू अर्बन एरियाज, विड्रॉल ऑफ ऑल द एंटी फार्मर लॉज एंड एंटी वर्कर लॉज लेबर कोड्स, हॉल्ट टू प्राइवेटाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम्स। देख लो क्या क्या चीजें, फिर से बता देता हूँ: 7500 रुपए का कैश बेनिफिट ट्रांसफर टू ऑल द नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिलीज, सॉरी 10 kg फ्री राशन पर पर्सन पर मंथ टू ऑल द नीडी, एक्सपेंशन ऑफ मनरेगा टू प्रोवाइड 200 days ऑफ वर्क इन अ ईयर, देन एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू अर्बन एरियाज, विड्रॉल ऑफ ऑल द एंटी फार्मर लेबर लॉज एंड एंटी वर्कर लॉज,
हॉल्ट टू प्राइवेटाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम्स. तो दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन डिमांडेड बाय द लेबर्स. एंड सिंपल सी बात है, आज कंट्री का स्टेट ऐसा है कि एक तरफ हमने ऊपर बात की फार्मर मूवमेंट भी चल रहा है, पीजेंट मूवमेंट भी है, लेबर मूवमेंट भी है, तो इस कंट्री में डेवलपमेंट किसका हो रहा है? अगर जो सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं, जो एक तो लेबर जो काम करते हैं, दूसरा फार्मर जो कि प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर दोनों ही नाखुश हैं, दोनों ही रिवोल्ट के मूड में हैं, तो फिर यहाँ भला किसका हो रहा है? कॉर्पोरेट्स का या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का? देखते हैं. जलीकट्टू इज इंडियाज एंट्री फॉर ऑस्कर अवार्ड. जलीकट्टू को इंडिया की ऑफिशियल एंट्री भेजा गया है टू द ऑस्कर्स. लीजो होजे पेलिसरी ने इसको डायरेक्ट किया है. लीजो होजे पेलिसरी, मलयालम लैंग्वेज में ये मूवी है जलीकट्टू. एंड एकेडमी अवार्ड्स में 93rd एकेडमी अवार्ड्स में जलीकट्टू को भेजा जा रहा है. 97 में मलयालम पहली गई थी गुरु. 2011 में एडामिंटे माकन अब्बू गई थी एंड दे वर द ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स. एंड अब गई है जलीकट्टू. तो इसी के बेसिस मैंने आपको ये बताया था कि कुछ डिस्प्यूटेड एनिमल स्पोर्ट्स हैं इंडिया में, जैसे कंबाला रेस होती है कर्नाटका की, बैफेलो रेस है, बैलगाड़ी शरीयत रेस होती है महाराष्ट्र में, जिसमें बुलॉक कार्ट रेस होती है, जलीकट्टू तमिलनाडु का है, इंपॉर्टेंट आपको पता होना ही चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है. नेवी इंडक्ट 2 ड्रोन्स ऑन लीज फ्रॉम यूएसए. नेवी ने 2 ड्रोन्स लिए हैं यूएसए से लीज में, ठीक है ना. अब 2 कौन से लिए हैं? 2 MQB एंड MQ-9B सी गार्डियन. याद रखिएगा MQ-9B सी गार्डियन अनआर्म्ड ड्रोन प्रोक्योर्ड फ्रॉम यूएस ऑन लीज. ये याद रखिएगा MQ-9B सी गार्डियन इसका नाम है, MQ-9B सी गार्डियन. अब ये ड्रोन जो है वो लीज पे लिया गया है 1 साल के लिए. अब ये क्या है, लीज पे लेने वाला क्या फंडा है, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि इस बार जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आए थे DAP 2020, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसमें एक लीजिंग ऑप्शन भी था कि लीजिंग ऑप्शन भी दिया जाएगा मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को, ताकि वो अगर कोई चीज़ आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, तो आपको लीजिंग ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसको एक डेफिनेट पीरियड के लिए लीज पे ले सकते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा. गार्डियन देखो क्या है, गार्डियन इट्स अ मैरिटाइम वेरिएंट ऑफ प्रीडेटर MQ-9 अनआर्म्ड एरियल व्हीकल. MQ-9 अनमैन्ड एरियल एरियल व्हीकल होता है, UAV होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसका एक वेरिएंट है गार्डियन. मैक्सिमम एंड्योरेंस 40 आवर्स का है एंड मैक्सिमम फ्लाइंग एल्टीट्यूड जो है वो 40,000 फीट का है. 3600 मैरिटाइम सर्विलेंस रडार्स इसमें अंदर लगे हुए, सर्विलेंस के लिए यूज होता है, बेसिकली ड्रोन है, याद रखिएगा. इसके अलावा देखो एक और चीज लिखी है, एज अ पार्ट ऑफ दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल P8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैज बीन कट डाउन. तो इस कारण से इसके आने के बाद P8I जो मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था उसकी जरूरत भी अब नहीं पड़ेगी, ठीक है ना. मोर ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइजेस. अब ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइजेस का जमाना आ गया है, तो अब कुछ और ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज होंगी, जैसे कि एक होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को मिला करके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया को मिला करके होगी, और फ्रांस जो है वो ज्वाइन करना चाहता है ऑजिंडेक्स को. ऑजिंडेक्स जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक्सरसाइज है, उसको फ्रांस ज्वाइन करना चाहता है. याद रखिएगा मालाबार वाले एक्सरसाइज में अभी ऑस्ट्रेलिया आया था, है ना, अब जो है फ्रांस चाहता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ वो ऑजिंडेक्स का हिस्सा बने, देखते हैं क्या होता है. चाइना स्लैम्स इंडियन इंडियाज बैन ऑन ऐप. चाइना ने, इंडिया ने क्या किया है, 43 और चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया. इसके पहले 118 ऐप्स पहले बैन किए थे, है ना, उसके पहले 59 ऐप्स और बैन किए थे, है ना, और अब उन्होंने 47 और ऐप्स बैन कर दिए. चाइना ने बोला गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो है ये एक डिस्क्रिमिनेशन है पॉलिसी में, ट्रेड पॉलिसी में, एंड दैट शुड नॉट हैपन. सर्वर स्नैग हिट्स न्यूट्रिशन पोर्टल. अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है एक न्यूट्रिशन पोर्टल इंडिया में चलाते हैं, सबसे बड़ा बिगेस्ट न्यूट्रिशनल सिस्टम है, जिसमें कि डेटा रिकॉर्ड होता है और डेली का डेटा रिकॉर्ड होता है. आंगनवाड़ी वर्कर्स जिसको यूज करके डेटा रिकॉर्ड करते हैं, उसमें लगभग 2 महीने से सर्वर स्नैग आ चुका है न्यूट्रिशन पोर्टल में. न्यूट्रिशन पोर्टल जो है वो पोषण अभियान के अंतर्गत अप्रूव किया गया था, इसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट है वो पोषण अभियान के अंदर का डेवलप किया गया था. एंड इसमें बेसिकली आधा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, आधा 50% जो है वो वर्ल्ड बैंक की बजटरी सपोर्ट से मिल रहा है. आईसीटी डेवलपमेंट है, इसको ICDS CAS सर्वर बोलते हैं, ICDS CAS सर्वर. अब ये क्या है ICDS CAS सर्वर, याद रखिएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. याद रखिएगा पोषण अभियान के अंतर्गत है ये, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
इनोवेटिव वेब एंड मोबाइल फोन बेस्ड एप्लीकेशन है विच इज टू इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट. सर्विस डिलीवरी एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए उसको बनाया गया था, ठीक है ना. इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को मदद मिलती थी कि डेली टास्क को इसके अंदर मॉनिटर कर सकते थे, सुपरवाइज कर सकते थे और उसमें डाल सकते थे. प्लस में फीडबैक भी प्रोवाइड किया जा सकता था टू द वर्कर्स एंड हेल्प अदर प्रोग्राम ऑफिशियल्स. तो बेसिकली सारी चीजों के लिए ICDS CAS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर याद रखिएगा इसको. ये वेब एंड मोबाइल फोन बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना. एंड इसमें तीन कंपोनेंट है ICDS CAS के अंदर, तीन कंपोनेंट है ये भी याद रखिएगा. देखो लिखा हुआ है, एक तो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है फॉर सुपरवाइजर्स एंड एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड है फॉर द प्रोग्राम ऑफिशियल्स. तो तीनों के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, सुपरवाइजर्स के लिए वेब बेस्ड डैशबोर्ड एंड प्रोग्राम ऑफिशियल्स के लिए भी एक सॉरी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन फॉर सुपरवाइजर्स ऑल्सो एंड प्रोग्राम वेब बेस्ड डैशबोर्ड फॉर प्रोग्राम ऑफिशियल्स, ठीक है ना. तो ये तीन कंपोनेंट हो गए जो कि इसके अंतर्गत है. अब इसके सर्वर्स 2 महीने से खराब चल रहे हैं जिनको कि सही करने की जरूरत है, आवश्यकता है. आगे मूव करते हैं, भूटान establishes फॉर्मल टाइज विद जर्मनी. अब भूटान ने क्या किया है, जर्मनी के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज को establish कर लिया है. इसके साथ ही अब भूटान ने 53 states के साथ प्लस EU, अभी तक केवल 53 ऐसी कंट्रीज हैं और EU है जिसके साथ भूटान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं. और 2013 में लास्ट टाइम था जब एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किया था उन्होंने, किसके साथ, ओमान के साथ. तो 2013 के बाद अब ये जर्मनी के साथ कर रहे हैं फॉर्मली डिप्लोमेटिक टाइज में इंटर कर रहे हैं. कैबिनेट ओकेज द मर्जर ऑफ LVB विद DBS बैंक. तो कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक का मर्जर अप्रूव कर दिया गया है ना. अब इसके बाद फिर मोरेटोरियम भी हट जाएगा. मोरेटोरियम मैंने आपको उस दिन समझाया था कि जब विड्रॉल में लिमिट लग जाती है ना, जैसे 2 महीने तक विड्रॉल नहीं हो सकता या लिमिटेशन लगा दी कि केवल 25,000 का ही आप डिपॉजिट निकाल सकते हो, तो वो आपका मोरेटोरियम कहलाता है. तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. आई होप यू लर्न समथिंग. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग us. Thank you and have a nice day.